अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? आई होप सब खैरियत होंगे। जी हाँ, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग बहुत ही भाई क्रेजी होने वाला है। उसकी वजह ये है कि हमारा है आज ऑटो क्रॉस और हमने पार्टिसिपेट किया हुआ था। मैं अगर इस व्लॉग की बात करूँ तो ये बड़ा डिटेल्ड व्लॉग होगा, क्योंकि अभी आप कुछ शॉट्स देखेंगे जिसमें हम अपनी गाड़ी प्रैप कर रहे थे बिफोर द इवेंट। हमारी गाड़ी में कुछ मसले आ गए थे और इवेंट से कुछ दिनों पहले, अप्रॉक्सीमेटली एक वीक पहले, उसकी क्लच स्लिप होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से हमें क्लच ऑर्डर करना पड़ी। क्लच हमने ऑर्डर करी लेकिन उसका लीड टाइम अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 दिन आ रहा था यूएस से। पहले वो दुबई आनी थी, दुबई से फिर मेरे भाई ने लेकर आना था उसको। तो खैर एनीवेज, हमने बड़े भाई इमरजेंसी मोड पर काम किया, इधर उधर से चीज़ें अरेंज करी और ये भाई लग के कुछ ना कुछ करके हमने गाड़ी फाइनल करी ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग देखिएगा इस व्लॉग में सारी चीज़ें कवर होंगी। मुझे कॉल आई थी रास्ते में कि गाड़ी चीज़ें वीज़ें कर ली हमने, क्लच का थोड़ा सा मसला था, वेस्ट गेट चेंज किया, चोरी मोटी चीज़ें चेंज करी हैं, इसकी टेस्टिंग वगैरह कर लेते हैं। तो पूछते हैं इससे क्या हुआ, कहाँ गया, हो गया इसका, सारी चीज़ें हो गई हैं। चलो भाई टेस्ट कर लेते हैं, बूस्ट वगैरह की लीकेज भी, लीकेज भी टेस्ट हो गई, बूस्ट वगैरह की सब चीज़ें हो गई हैं। चलो क्या तुम क्या चेक कर रहे हो? अबे तुमने तो एडिटिंग करनी है, ये क्या तुम्हारा काम नहीं है बेटा? हाँ सही है, कुछ पूछा मैंने कुछ। आप लोग बोल रहे होंगे ये क्या है भाई, कैसी कैसी आवाज़ आ रही है, सारे गेजेस हैं, ये बूस्ट कंट्रोलर लगा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक, वो एयर फ्यूल रेशो गेज है और ये हमारे हाथ में गियर है। थोड़ा टेम्परेचर आ जाए गाड़ी, बल्कि टेम्परेचर तो है, वो मुझे लग रहा है स्टार्ट करी भी होगी, टेस्टिंग वगैरह कर रहा हूँ। अच्छा अभी थोड़ी सी लीन हो रही है गाड़ी, 16-17 सही है, 15-16 AFR सही है, क्रूज के ऊपर सही है ये AFR, 15-15.5 होना चाहिए क्रूज पे, इससे अच्छा एवरेज आएगा। ये वाला पाइप कहाँ जाता है? ये वाला, ये ऊपर से आ रहा है, ये अभी लगाए ऊपर, ये तो नीचे लगा, एक सेकंड रुको मैं चेक कर। सो व्यूअर्स, मसला ये आ रहा था कि हमारा जो AFR था ना वो आउट हो गया था और AFR हमारा लीन हो रही थी गाड़ी। अभी हम चेक कर रहे हैं गाड़ी और देखते हैं क्या है, कल इवेंट है, टेंशन भी हो रही है और बस यही है यार, मोटर स्पोर्ट्स यही है, मतलब आपको 11th आर पे इमरजेंसी बेसिस पे काम करना होता है और फायर फाइटर बनना होता है। और भाई ये बहुत ज़बरदस्त होने वाला है व्लॉग और इसमें हम ऑटो क्रॉस का डे भी आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्या वहाँ एक्टिविटीज़ करी हैं और हमारा क्या रिजल्ट रहा है। तो व्लॉग एंड तक देखना बॉयज़, और बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। और इतने में वर्कशॉप से हमने गाड़ी पिक करनी है और गाड़ी पिक करके हमने निकलना है ओमनी ट्रैक। गाड़ी जो है फाइनल होके वॉश होके खड़ी हुई है, बस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सीधा ओमनी के लिए। कोल्ड स्टार्ट, एक बोतल मेरी, एक बोतल तुम्हारी, मेरी में से नहीं पीना पानी। हमारी कंपनी में जो काम नहीं करते ना उसके साथ हम ये करते हैं, टांग वांग तोड़ के बिठा देते हैं, बोल बेटा काम कर। तो वी आर रेडी और अब हम निकल रहे हैं ऑटो क्रैश के लिए। उसामा भाई जो रिवर्स कर रहे हैं गाड़ी, बहुत स्लो चलती है भाई, ये मशीन बहुत स्लो है, लास्ट टाइम भी बहुत स्लो चल रही है, कसम से ऐसा लग रहा है CNG भरवा रहा हूँ मैं। अच्छा जी, क्या बोल रहे थे भाई, क्या सेटअप है, कितने बॉयज आ रहे हैं अपने? 4 से 5 लड़के आ रहे हैं। लड़के हैं, लड़के हैं, लड़के हैं, आप इसका बात है, लड़कियाँ चल ऐसे ऐसे मोटिवेशन देंगे आप। उसामा, उसामा। अच्छा जी, ऐसे मोटिवेशन उसामा भाई चेक किया।
फिर बाद में पूछा भाई, बाद में अभी के बाद। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है, ठीक ठाक सर। नाम ही नहीं रखा माँ बाप ने अभी तक। अबे साले, उसामा सिद्दीकी, उसामा सिद्दीकी, सिद्दीकी बिल्कुल एंड में होगा, लेट कमर है ना हमेशा। अच्छा, ये रहा, देखा आपने? ओके, मैं आपको कहा था लेट। क्यों नहीं, क्यों हटो ना, साइड पे हो ना। ये चेक करा, 4 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए। मर्सिडीज का भी भाई सी है ऑन है। फराज भाई, अस्सलाम वालेकुम। हैं और अगर डाल दूं ना कि भाई मोबाइल भूल गए तुम कराची में। कैसे भाई? ठीक है। आपकी गाड़ी तो बड़ी प्यारी लग रही है यार, माशाल्लाह। और कलर भी सेम है, माशाल्लाह। एंड देन आप उसको ले जाएंगे, आप बोलते डॉक्टर साहब के पास चेक करेंगे आपकी गाड़ी। ओके, एंड देन टेक के बाद यू कम टू मी, आई विल गिव यू स्टिकर्स। ओके, जी। टेक करवाने का मकसद ये होता है कि गाड़ी की सारी सेफ्टी चेक होना, साथ साथ आपकी बैटरी टाइट है, आपकी ब्रेक सही है, आपकी कोई ऐसी ऑयल की लीकेज तो नहीं जिससे ट्रैक पर कोई मसला हो सकता है। ये सारी चीज़ें बहुत कंपलसरी होती हैं, इसकी वजह से ये टैक वाले जो होते हैं वो टैक करते हैं कि गाड़ी चेक हो रही है, मतलब कि वही चेक हो रही है गाड़ी। और डॉक्टर साहब सबसे सीनियर है और वही चेक ऐसे ही हमें तो पता है डॉक्टर साहब। अच्छा, तो ये बेसिकली आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन हो रही है। इंस्पेक्शन 4-8 गाड़ी पे स्टिकर लग चुका है और उसामा भाई भी रेडी हैं। उसामा भाई, ये रेडी है भाई। आगे लगा दो, प्लेट लगाऊं, प्लेट लगाऊं। इस साइड से जाओ, लेफ्ट से जाओ। अब वो वाला जो बता रहे ना, वो कह रहा है उस साइड से जाओ। गाड़ी सीधी तो ये टायरों को फॉलो करो। नहीं नहीं नहीं, हां टायर यही है, यही है। आप वहां से आए हो, उसको टायर फॉलो करोगे ना तो इधर सीधा ही जाओगे। कार्टिंग में भाई और इसमें अभी फर्क है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ इस तरह थोड़ी मुड़ेंगी जैसे कार्टिंग में मुड़ेंगी। बॉस कैसी बातें कर रहे हैं? सबको बोलूंगा रुक जाओ, ब्लॉग बन रहा है ना, ये एडिट हो जाएगा। सारा सेकंड है ये। है? आप कहाँ से बूस्ट पे सोएंगे? आप नहीं सोएंगे। फराज भाई छोड़ दें यार, आप कैसे सोएंगे? फराज भाई का मैं बता दूं, इनकी स्क्रिप्ट इतनी बड़ी है, आप सोच भी नहीं सकते। पैडल नीचे नहीं जा सकता, बूस्ट आ जाता पूरा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सेकंड सेकंड भाई सेकंड सेकेंड है। आप भी आ सकते हो, मैं तो डर ही रहा हूँ इसी बात। मैं तो सो रहा 9500 आरपीएम करूँ। आपका टर्बो कौन सा है? मेरा टर्बो चाइनीज है। यार सही बताएं कौन सा टर्बो? 35R डबल आर ट्रिपल एक्स। डबल क्लच पे जाना पड़ेगा हर जगह, इनको हर जगह तोड़ देगी, क्योंकि पीछे डिफेंस वो लगा हुआ है सर, ये अंदर एलएसडी है। ये बहुत समस्या है यार, आपके मसले बहुत है। अच्छा हमको सिखा, आराम आराम से घूमते हुए चले जाओ, दूध दही लेने चले। सेकंड गियर का पूरा ट्रैक है फराज भाई। प्रेशर बताएं सलाउद्दीन भाई, क्या होना चाहिए इस ट्रैक का? गियर से कम होना चाहिए। एग्जैक्टली 25 होना चाहिए। कॉर्नरिंग पे आप मैंने ट्राई से ट्राई लिंक कॉर्नरिंग पे टाइम और आपका जो ट्रैक है वो है खतरनाक, वो उतर सकता है क्या? ये यहां से फाइट होके फिर आपने अंदर घुसा। प्लीज अभी ये उस पे था, किस पे था? सी पे। हां रेस लगा रहे हैं, फिर मैं आके बैठ के पहले से आवाज को मार के मैं आके बैठा तो ये थोड़ा सा वो हुआ,
अब दो दफा इरशाद आगे समझा रहे, आप आगे बैठ जाए, आप चला रहे यहाँ पे डिस्क्लेमर साइन हो रहा है ओमनी का, अपना जो डिस्क्लेमर होता है। दो तीन हफ्ते पहले हम एक किस्सा सुना रहे थे। ओके, वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी आर रनिंग लेट द रेड सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई यू बी पार्किंग दोस। तो भाई हो गई है हमारी ड्राइवर्स ब्रीफिंग और अब हम जा रहे हैं कुछ खापा कर रहे हैं। बहुत भूख लग रही है यार, दोपहर के आए हुए हैं, दो तीन बजे कद्दू आया हुआ, रोल लेकर आया गरीब इंसान, चल निकल यहाँ से। ये देख रहे हैं ये भी जाएंगी, बस आप भी नहीं करा यार इसने, ये तो मतलब इसको नहीं अलाउ नहीं करना चाहिए, नहीं इसको अलाउ भी नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये कि इसको जब रिस्पेक्ट ही नहीं अपनी गाड़ी की, तो आप ये कैसे रेसिंग में इसको अलाउ कर सकते हैं, टैक में इसको फेल होना चाहिए। ये वाइट बॉडी एक C63। प्रिपेयर्ड कैटेगरी जो है ना कॉल हो गई है, तो हम सब अपनी गाड़ियां जो है लेके निकल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बेस्ट ऑफ लक, वेरी बेस्ट ऑफ लक। ये सारे बड़े जानवर हैं, ये जितने भी जानवर हैं ना ये सारे बड़े जानवर हैं, प्रिपेयर्ड कैटेगरी के जानवर हैं। दो सेकंड से मारो, टाइम 2 सेकंड से मारो, 2 सेकंड
है स्टेज एरिया और वहाँ पे हमने गाड़ियाँ लाइन अप करनी है। इस पर ये वो टाइम होता है जब इंसान बहुत नर्वस हुआ होता है। द इवेंट इज एट मैक्सिमम हीट राइट नाउ। इस वक्त हर कोई फुल एक्साइटेड है क्योंकि ये प्रिपेयर्ड कैटेगरी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर लोग अपने एंजॉय कर रहे हैं फूड। सो व्यूअर्स, सारी गाड़ियाँ लाइन अप हुई हुई है। मेरा 8th नंबर है और शायद 3rd या 4th जा चुकी है। यकीन करें नर्वसनेस हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से मैंने अपना मैक्सिमम दिया है और कोशिश यही करी है कि यार अच्छे से अच्छा शो पुटअप करूँ। तो आप लोगों से दुआ है कि भाई आप लोग भी दुआ करेंगे कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए और गाड़ी हमारी साथ दे दे हमारा। लोग आके मुझे बोल रहे हैं फास्टेस्ट टाइम से जो है ना आपने 1 मिनट कम करना है, 1 सेकंड कम। थैंक यू यार, थैंक यू इंशाल्लाह। हाथ भी कांप रहे हल्के हल्के। जैसे जैसे गाड़ियाँ आगे बढ़ रही हैं दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं। वाह सलाम भाई, कैसे बना रहे ना व्लॉग ही तो है। दुआ करना भाई, दुआ करना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बच्चों की दुआएं साथ हैं आपके। दुआएं साथ हैं, चलो भाई। RX7 नहीं लेकर आए आप? नहीं ये RX7 के ज्यादा अच्छी ये चलती है ऑटो क्रॉस पे। इट्स नाउ माय टर्न और अब ट्रैक पे आ चुकी है गाड़ी। बॉयज मुझे नहीं पता क्या टाइम है और मैं फुल एक्साइटेड हूँ। गाड़ी तो है ना 2-3 दफा निकल गई थी हाथ से भाई, कसम से निकल गई थी हाथ से। हाथ पांव अभी भी कांप रहे मेरे यार, लेकिन जो रन था ना वो क्या रन था भाई, क्या रन था। अब पूछता हूँ मैं क्या टाइम है, मुझे नहीं पता क्या टाइम है। अब वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा टाइम क्या है। ओए होए 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 क्या है टाइम क्या है? दोनों रन भाई, क्या बताऊं फर्स्ट रन। भाई मजा आ गया फर्स्ट लैप के हिसाब से। 1:14 इज गुड यार। होए होए मजा आ गया। रन कैसा था? बहुत कैसे मतलब क्राउड में क्या दर्द। ये हमारी टैग टीम काम कर रही है, अब समझ नहीं आ रहा ये कर क्या रहे हैं। पूछ तो रहा हूं मैं, ट्यून कर रहे थे। क्या कर रहे हो तुम लोग? ट्यून कर रहे थे। ट्यून कर आयल चेक कर रहे थे। आयल चेक हो गया पूरा। फिल्टर आयल पानी चेक कर लिया। जरा पूछ लेना टर्बो का कौन सा टर्बो से इससे पूछ ले टर्बो का। बताओ राइड मिलेगी? बताओ टर्बो का लगा हुआ भाई। राइड मुझे दे देना, मैं गाड़ी का एक एक पार्ट बता दूंगा। मुझे कान में बता दो आप ढूंढ लो राइड कैसे है। टर्बो आप बता दो, बस टर्बो बता दो ना साथ। तो साइड के एलएस में राइड है हां। चलो टर्बो बता। हां चलो डन, एलएस में राइड है। चलो गैस द टर्बो भाई मुझे भी तो दे ही ऑप्शन। इसको डिग्गी पकड़ाई थी ना, डिग्गी पकड़ के गिर गया था मेरा। तुमसे ना हो पाएगा। दिस इज माई सेकेंड रन और लेट्स सी क्या होता है। लास्ट रन में थोड़ा सा एक इशू था, या तो मुझे लग रहा है फ्यूल जो है कम है थोड़ा सा, इस वजह से गाड़ी जो है हल्की थी जब सोया कर रही होती है तो पीछे से ऐसा लग रहा होता था फ्यूल गायब हो रहा है। तो इस रीज़न मैंने फ्यूल खैर मंगवा लिया, अभी तक आया नहीं है। सेकेंड रन हो रहा है, अब थर्ड रन में फ्यूल अप करेंगे और फिर थर्ड और फोर्थ को हम फाइनल रन काउंट करके ऑल आउट जाएंगे इंशाल्लाह। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड पोजीशन पे हूँ मैं अपनी कैटेगरी में। अब देखते हैं इस वाले रन में क्या होता है। और क्योंकि हर ड्राइवर जो है अपने सेकंड रन और थर्ड रन में अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, तो मेरे पास भी ऑप्शन है इम्प्रूव करने का और रूम है इम्प्रूव करने का। लेट्स सी। सो खैर व्यूअर्स, अब सीन ये है कि हम लास्ट रन पे हैं और अब इसके बाद रन होने वाला है
और भाई अब सीन ये है कि आखिर इन्हें ऑल आउट जाना है, अब जैसा भी होगा देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। पोडियम पे एटलीस्ट अगर हम आ जाते हैं कहीं ना कहीं तो बस मेरे लिए ये एक अचीवमेंट है, और मैं नेक्स्ट इससे ज़्यादा इम्प्रूव करके आप लोगों को इससे अच्छा कुछ दूंगा। दुआ करिएगा मेरे लिए इस रन के लिए, भले आप कैसे कर सकते हैं, मैं अपने लिए खुद दुआ कर लेता हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप लोग तो नहीं है, और आज आप ब्लॉग देख रहे होंगे तो उस वक्त दुआ करने का फ़ायदा नहीं होगा। खैर अल्लाह ताला से दुआ है मुझे इस रन में अच्छा कुछ दे दे तो सेकंड या थर्ड या फर्स्ट में जहाँ पे भी मैं डिजर्व करता हूँ मुझे मिलता। तो खैर एनीवेज अब जा रहे हैं हम फाइनल हो गए और गाड़ियाँ सब लाइन अप हुई हैं हमारी ए प्रिपेयर्ड की, और अब आपको दिखाते हैं आगे के सीन्स। Going for his last run. Let's see if we can take Temur. And Temur, he needs 0.5 seconds of Temur to beat him. Just 0.5 seconds. So Temur, fingers crossed for you. This guy's within attacking mode. Just 0.5 seconds, half a second he needs, and he will take your second place from you. Oh! I saw the car fog. मुझे अभी भी पता चला है कि मेरा जो टाइम आया है वाले लैप का 112.5 है या 4 है पता नहीं है, लेकिन सेकंड पोजीशन पे आ गए हैं, पोडियम के सेकंड पे हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह यार। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, और आप लोगों की दुआएं और ये सारे दोस्त वगैरह ये सब आ रहे हैं, ये सारे बॉयज आ गए अगेन नहीं उस वक्त फर्स्ट थे आपकी गाड़ी वहाँ बैठी है, बैठ गई थी उसमें आपने start with D stock. We're going to start. That is close. You really wish for that, huh? And the fastest man with a lot of fans, a lot of friends, with a December 12th tak is waiting. And first place goes to Faraz. Congratulations to the winners of A Prepared. So viewers, ये था आज का vlog, आप लोगों ने देखा होगा कितना exciting था यार पूरा दिन, और कितना hectic, और कैसे जो है ना दिल की धड़कनें तेज़ हुई हुई थी।
हर रन से पहले हाँ मैंने तो आप लोगों को बोला दुआएं करो थर्ड आ जाओ बस किसी तरह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट रन जो है ना बहुत किलर रन था। और ज़ियाद बताएगा ज़ियाद कैसा रन था? बहुत अनएक्सपेक्टेड था, मतलब मेरे ख्याल से हल्का सा लैग आया। हाँ लैग आया, मतलब ये था कमेंट्री पे लोगों ने ये बोल दिया था कि भाई 1:15-1:16 पे है, 1:15-1:16 पे है, लेकिन नेक्स्ट पे ना जब आवाज़ें उठी ना कि 1:12 का, मेरी गाड़ी ने बॉक किया और बॉक होने के बाद जो है ना गाड़ी बैठी और मैं बहुत परेशान, मैंने थ्रॉटल दे रहा हूँ लेकिन गाड़ी रिस्पॉन्स ही दे रही थी। और उसके बाद आपके भाई ने करिश्मे करे और अल्लाह ताला ने साथ दिया और 1:12.4 मेरा फास्टेस्ट टाइम था अपनी कैटेगरी में, तो मैं सेकंड पे आ गया और जो 12.8 या 7 था वो चले गए थर्ड पे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह अल्लाह पाक ने मुझे सेकंड पोजीशन दी और फर्स्ट पे हमारे फराज भाई हैं। तो यार आई एम वेरी हैप्पी फॉर द रिजल्ट और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत रखी और गाड़ी चल गई और सब चीज़ें परफेक्ट हो गई सेफ इन्वायरमेंट में। तो आई होप मुझे आप लोगों को मज़ा आया होगा ये सारी वीडियोज़ और पूरा व्लॉग देख के। और बात ये है कि यार इसके पीछे कितनी स्ट्रगल होती है इस गाड़ी को प्रिपेयर करने में, फिर उसके बाद उसको अप टू डेट करने में, फिर गाड़ी वहाँ पे चलाने में, तो ये तो मैं आप लोगों को अल्फाज में नहीं बयान कर सकता, ये तो आप वीडियोस में देख के आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। लेकिन ये है कि भाई अभी टांगों में जो है ना जान भी नहीं बची है, टांगे मुझे तो महसूस नहीं हुई। 3:30 बजे से नॉन स्टॉप हम खड़े हुए और चल रहे हैं और इस वक्त 2:30 हो रहे हैं रात, हाँ 2:30 बज रहे हैं। और यकीन करो व्यूअर्स के पाँव में ना लग रहा है ऐसे जैसे फोड़े वोड़े हो गए और खाना कुछ भी नहीं खाया हुआ, अभी जाएंगे खाना खाएंगे, खाना खा के जो है फिर हम घरों को जाएंगे। तो कहने का मकसद ये कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं और फिर कंटेंट भी बनाते हैं और आप लोगों के लिए वीडियोज़ भी बनाते हैं, व्लॉग्स भी बनाते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं यार चैनल को लेकर जाना है हमने 10K पे, अभी 5K पे पहले लेकर आना है फिर 10K पे, और इसी तरह का हम अच्छे से अच्छी चीज़ अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे आपके लिए, एंटरटेनिंग कंटेंट होगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। तो भाई को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा यूट्यूब पे और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिएगा, आईडी में लगा दूंगा उसामा _ सिद्दीकी है मेरी इंस्टाग्राम पे, वो भी चेक कर लीजिएगा। और इसी तरह का कंटेंट हम लाते रहेंगे, अभी के लिए जा दीजिएगा भाई, बैटरी बहुत डाउन हो गई, खाना खाने और ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह ताला।